हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू कान्हा चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ मलाई पनीर मसाला। तो ये रेसिपी आप सबसे भी शेयर करते हैं और आप सभी जाने कि मैं अपनी मलाई पनीर मसाला कैसे बनाती हूँ। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सो गाइस, मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, 3 टमाटर लिया है, 3 हरी मिर्च लिया है और 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा अदरक का टुकड़ा लिया है। यहाँ मुझे ऑनियन और लहसुन बिल्कुल नहीं डाला है, इसको स्किप कर दे रहे हैं। इसे हम भिंडी की सब्ज़ी में डालेंगे। ये मैंने 9 से 10 काजू लिए हैं। तो इसे हमें लहसुन जो प्याज को है इसको हटा ही देना है। यहाँ से मैं इसको हटा के दूर रख दे रही हूँ, नहीं तो भूल से डाल सकती हूँ। तो इसको मैं दूर रख दी हूँ। और टमाटर, हरी मिर्च और अदरक और काजू का पेस्ट तैयार कर ले रही हूँ। तो इसे मैं मिक्सर जार में डाल दे रही हूँ। कट करके टमाटर इसे मैं 4 भागों में करके काट रही हूँ। यहाँ पर मैंने सारे टमाटर को कट कर लिया है और अब इसमें जाएगा हरी मिर्च, अदरक और काजू। इसे मुझे बहुत स्मूथ पेस्ट बनाना है गाइस, बहुत ही ज़रा सा भी दरदरा नहीं होना चाहिए। जो हमारी मलाई पनीर मसाला की ग्रेवी होगी वो बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। तो मैं इसे ग्राइंडर मशीन में पीस ले रही हूँ। ये देखिए, मैंने एकदम स्मूथ पेस्ट तैयार की हूँ टमाटर का। आपको ऐसे ही स्मूथ पेस्ट बनाना है। इसको मैं साइड में रख दे रही हूँ। तो यहाँ मैं कढ़ाई ले रही हूँ, कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी हूँ, गैस को कर लिया है ऑन। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून बटर, 1.5 स्पून मुझे देसी घी लेना है। और जो बटर और देसी घी का इसमें स्वाद आता है ना गाइस, बहुत ही अच्छा आता है। इससे आप रिफाइंड से भी बना सकते हो, लेकिन क्या है कि जो देसी घी और बटर में खासियत है वो रिफाइंड में बिल्कुल नहीं है। तो आप मेरी मानिए तो रिफाइंड बिल्कुल मत डालिएगा। यहाँ पर आप चाहे तो बटर का यूज कर सकते हैं या तो देसी घी का। तो यहाँ मैं डाल दे रही हूँ तेज़पत्ता, क्योंकि घी मेरा गर्म हो चुका है। और 1/2 टीस्पून मुझे जीरा लेना है, जीरा डाल दी हूँ। इसे चटकने देंगे। और टमाटर का पेस्ट तैयार की हूँ, इसको डाल देंगे। तो गाइस, जीरा मेरा चटक गया है, इसमें जाएगा हमने यहाँ जो टमाटर पीसा था उसका थोड़ा सा पानी घोल के डाल दे रही हूँ। ये पक रहा है, थोड़ा सा इसे हम ढक देंगे, आधा खुला रखेंगे ताकि इसमें मॉइस्चर जो पानी ना गिरे, पानी निकलता जाए बाहर, हवा जो निकलता है भाप इसका। सो गाइस, जो मुझे मसाला डालना है इसमें, इसकी तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून मैंने लिया है कश्मीरी रेड पाउडर। और 1/2 रेड चिली पाउडर। सॉरी गाइस, 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून मुझे जीरा लेना, ओह सॉरी गाइस, 1/2 टीस्पून मुझे हल्दी पाउडर लेना है। एक टीस्पून के करीब मुझे धनिया पाउडर लेना है। तो गाइस, यहाँ मैं चेक कर ले रही हूँ
इसे हमें जलाना बिल्कुल नहीं है, इसे बीच बीच में हमें देखते जाना है, जलाते जाना है। आधी टीस्पून मुझे गरम मसाला लेना है, गरम मसाला आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे चीज मसाले डाल दे रही हूँ, अच्छे से चलाते जाएंगे। यहाँ टमाटर के जो छींटे रहते हैं बहुत तेज तेज पड़ते हैं, हमें करीब 2 से 3 मिनट इसको चलाना है और देखते जाना है बीच बीच में। सो जब से ये मेरा पक रहा है मैं पनीर को कट कर ले रही हूँ। यहाँ मैंने सारे पनीर को कट कर लिए हैं और हमें इसे भी देख लेना है। थोड़ी थोड़ी घी ऊपर आ रही है गैस पर, अभी मुझे और पकाना है। मुझे चेक कर लेना है, 1 मिनट हो गया है। वाह बहुत अच्छे खुशबू आ रही है। तो यहाँ हमें स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। ये पका नहीं है गाइस, फिर हम ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। बीच बीच में हमें चेक करते रहना है। सो गाइस मेरा यहाँ 5 से 6 मिनट हो गया, हमने बस ये आयल छोड़ दिया है। बस ऐसी कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए, बिल्कुल ऐसी ही मुझे चाहिए गाइस, ताकि हमारा टमाटर वमाटर जो भी हो टेस्ट हमारा इस तरह से हो जाना चाहिए। इस तरह से इसमें जाएगा। सो गाइस यहाँ पर मैंने 1 कप मलाई लिया है, ये आधी कटोरी मलाई है, मतलब आधा कप है, सुबह का है। सो इसे अभी बाद में डालेंगे, पहले हम इसे डाल देते हैं, क्योंकि इकट्ठा मलाई नहीं मिल पाता है ना गाइस, तो थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा किए हैं सुबह शाम का। इसको भी हमें 1 मिनट तक पका लेना है, करीब 1 मिनट तक मुझे पकाना है। जलना बिल्कुल नहीं चाहिए गैस, अगर जलेगा हमारा जो मलाई पनीर मसाला है वो स्वाद नहीं देगा गैस, इतना ध्यान देना। हमें 20 पीस से चेक करते रहना है, बस हम चेक कर रहे हैं गैस। अगर आप इसको बटर नहीं डालना चाहते हो तो इसे स्किप कर सकते हो, खाली घी से भी तड़का लगा सकते हो इसका। अगर घी नहीं आपको पसंद है बटर, तो बटर यूज कर सकते हो, लेकिन इन दोनों में से एक चीज़ आपको यूज करना है। रिफाइंड ऑयल बिल्कुल मत यूज करिएगा, कर सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो स्वाद हमें देसी घी और बटर से मिलता है वो चीज़ नहीं आएगा इसमें रिफाइंड ऑयल से। बनाने के लिए तो बना ही लेते हैं लोग, लेकिन देसी घी का अलग ही स्वाद होता है बटर और देसी घी का। थोड़ा सा और हम इसे पकाएंगे कुछ सेकंड के लिए। सो गाइस काफी आल छोड़ दिया है, मेरा पक भी गया अच्छे से, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसमें जाएगा पनीर, साथ में डाल दे रहे हैं आधा टी, यहाँ पर मैं आधा टीस्पून चीनी डाल दी हूँ। इससे क्या होता है कि सारा टेस्ट जो है वो बैलेंस हो जाता है।
आधा टीस्पून मुझे गरम मसाला लेना है, और एक टीस्पून के करीब मुझे कसूरी मेथी डाल लेना है, और एक मिनट तक भूनेंगे। एक मिनट से ज़्यादा मुझे नहीं पकाना है, अब बस एक मिनट तक और भूनेंगे। एक मिनट हमारा हो चुका है, अब इसमें जाएगा 1.5 कप पानी, और 1.5 कप से ज़्यादा मुझे नहीं डालना है। और एक मिनट से ज़्यादा आप पका भी देंगे इसको तो पनीर का जो टेस्ट है वो अजीब सा आएगा, एकदम चिपचिपा हो जाएगा। तो हमें यहाँ केवल एक मिनट तक भूनना था, सो मैंने भून लिया एक मिनट। अब इसमें जाएगा 1.5 कप पानी। ती जो मैं कटोरी ली हूँ गैस, करीब इसमें 1.5 कप पानी आता है, तो यहाँ मैं 1.5 कप पानी डाल दी हूँ। इसको चला देंगे अच्छे से, और जब तक इसकी ग्रेवी गाढ़ी नहीं हो जाएगी हमें तब तक पकाना है। ज़्यादा नहीं पकाना पड़ेगा, 2 से 3 मिनट और पकेगा, बस इससे ज़्यादा और नहीं पकेगा, क्योंकि मैंने पानी ऐड किया है। सो मैं यहाँ ढक्कन लगा दे रही हूँ और पकने दूँगी। मेरी ग्रेवी गाढ़ी हो चुकी है गैस, करीब 2-3 मिनट हुआ था और ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब इसे हमें कुछ भी नहीं डालना है, केवल हरी धनिया डालेंगे। आप तड़का भी लगा सकते हो, लेकिन मैं तड़का नहीं लगाऊंगी, और ना ही इसमें कोई गरम मसाला वगैरह डालूंगी, क्योंकि ज़्यादा मुझे मसाला यूज नहीं करना है। मैं काफ़ी मसाला जो भी डालना था मैं डाल चुकी हूँ। अब इसमें जाएगा थोड़ी सी फ्रेश हरी धनिया, बाकी मुझे कुछ भी नहीं ऐड करना है। बस इस समय मैं ढक्कन लगा दूंगी और गैस को कर दी बंद। मेरा पनीर मलाई पनीर मसाला रेडी है गैस, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी बनी है गैस। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। गाइस, आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले गाइस। तब तक के लिए राधे राधे एंड बाय बाय।